Hi everyone, so welcome to my channel in Glam Beauties. This is Khushbu Singh and I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम नेट साड़ी को ड्रेप करने में होने वाली प्रॉब्लम्स और उसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन के ऊपर बात करने वाले हैं. चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं. आज जो मैं साड़ी वेयर करने वाली हूँ वो है मेरी नेट की साड़ी. अगर आपको पसंद आती है तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. सो गाइज, मेरे अकॉर्डिंग नेट की साड़ी के लिए इस टाइप की पेटीकोट बिल्कुल परफेक्ट होती है. ये हर साइज में अवेलेबल होती है, तो डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. आप एक बार चेकआउट कर सकते हो अगर आपको अपनी साइज की लेनी होगी तो. अब चलिए, नेट की साड़ी में देखिए नीचे की तरफ हमेशा फॉल लगी हुई ही होनी चाहिए. मेरी यहाँ पे फॉल लगी हुई नहीं है, बट मैं आपको कभी भी बिना फॉल की साड़ी पहनकर बाहर जाने का आइडिया नहीं दूंगी. नेट की साड़ी में आप नीचे की तरफ अगर फॉल लगा लेते हो तो इससे आपकी प्लेट्स परफेक्ट बनती है, नेट की साड़ी की लाइफ अच्छी हो जाती है. तो फॉल जो लगती है ना, वो कॉर्नर से थोड़ा सा छोड़ कर ही लगाई जाती है. तो इसलिए अगर फॉल लगी हुई है तो भी आप ऊपर की तरफ जब साड़ी को टक करने वाले रहें तो एक छोटा सा गांठ आप बना लें. इससे होगा ये कि साड़ी का जो कॉर्नर है नीचे की साइड वाली, वो अपने आप आपकी बॉडी के साथ अच्छे से सेट हो जाती है. कॉर्नर कई बार ऐसा होता है ना, नेट की इतनी तीखी होती है कि ये आपकी जो पेटीकोट है या आप जो बेसिक राउंड टक करने वाले रहते हो ये उसके भी नीचे दिखती है. तो इसीलिए आप एक गांठ बना लीजिए. इसके बाद आप नीचे की तरफ साड़ी की लेंथ जितना रखना चाहते हो आप रख सकते हो. जितना मीन्स आप चलने में बस कंफर्टेबल रहें उतनी ही लेंथ रखिए. ज़रूरी नहीं है कि साड़ी के नीचे आप हील्स ही वेयर करो. आपको स्लीपर पसंद है आप स्लीपर पहनिए. इसके बाद आपको क्या करना है कि ऊपर की तरफ जितनी भी फैब्रिक एक्स्ट्रा जा रही है पेटीकोट के ऊपर उसको आप फोल्ड कर लीजिए. मोड़ने के बाद आप केवल अपने अंगूठे का इस्तेमाल कीजिए इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेटीकोट में इन करने के लिए. इसके बाद जब आपकी एक बेसिक राउंड कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप में आपको आपकी साड़ी की पल्लू वाले फैब्रिक को पकड़ना है. पल्लू वाले साइड को ऐसे पकड़ने के बाद इसको घुमाकर आप अपनी सामने की तरफ ले आइए दूसरी साइड से. यहाँ पे मैं थोड़ा सा फैब्रिक टक कर दे रही हूँ, वरना मैं कई बार साड़ियों में ही उलझ जाती हूँ. चलिए, अब आज मैं आपको पल्लू के इन दोनों ही साइड से प्लेट्स बनाना सिखाऊंगी. चलिए, सबसे पहले तो ये जो राइट हैंड पे है मेरे कॉर्नर, वहाँ से हम सीखते हैं प्लेट बनाना. दो अलग अलग तरीके मैं आपको सिखाऊंगी. तो आप अपनी राइट हैंड के ये दो फिंगर्स को ऐसे पकड़ लीजिए साड़ी की बॉर्डर को, और उसके बाद तीन उंगलियों से आप प्लेट्स की चौड़ाई को मेंटेन करते हुए एक एक प्लेट्स बनाते चलिए. ये मैं आपको थोड़ा सा स्लो दिखा रही हूँ ताकि जो भी बिगनर्स हैं वो इनको अच्छे से समझ सकें और ये ट्रिक अच्छे से पकड़ सकें. अगर प्लेट्स आपसे नहीं बनती है एक साइज़ की तो कोई ज़रूरत नहीं है कि प्लेट्स आपको एक साइज के ही बनाने हैं. कंधे वाली प्लेट्स कई बार हम उनको एडजस्ट कर लेते हैं. कई बार हम ऐसा करते हैं कि जो ये वाली लास्ट में प्लेट आती है उसको हम ज़्यादा चौड़े कर लेते हैं ताकि पीछे की जितनी भी छोटी छोटी प्लेट्स हैं वो छिप जाएं. चलिए, अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड से प्लेट्स बनाना सीखेंगे, बट दूसरी ट्रिक से. इसमें भी हम अपनी राइट हैंड को ही यूज़ करेंगे प्लेट बनाने में. इसमें हमें अपने राइट हैंड की जो फिंगर है उसकी दो उंगलियों से थोड़ा सा बॉर्डर का किनारा छोड़ते हुए पकड़ना है, और पीछे की तरफ हमें अपनी तीन उंगलियां रखनी हैं. ये देखिए, बॉर्डर का थोड़ा सा हिस्सा मैंने छोड़ दिया है ताकि इसके पीछे जो भी प्लेट्स आए वो फर्स्ट वाली प्लेट से थोड़ी सी कम ही रहें, क्योंकि हमें अपनी फर्स्ट वाले प्लेट को ज़्यादा बड़ा रखना है ताकि इनके पीछे जो भी प्लेट्स आ रहे हैं वो अच्छे से हाइड हो जाएं. क्योंकि किनारे से जब पीछे वाली प्लेट्स दिखती हैं तो वो बहुत गंदा लगता है. इसलिए देखिए, आपको आपकी पहली वाली प्लेट को थोड़ा सा चौड़ा रखना पड़ेगा. अब जब आपकी प्लेट्स बन जाती है तो मुझे नहीं लगता कि नेट की साड़ी में आपको मुझे प्लेट्स गैदर करना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि नेट की साड़ी इतनी ज़्यादा हल्की होती है. इसमें आपकी प्लेट्स बहुत ही अच्छे से पता चल जाती है कि आपको आगे कितनी प्लेट्स पकड़ने हैं.
अब इसके बाद आप कंधे पे अपनी पल्लू रखकर इसकी लेंथ देख लीजिए, लेंथ आपको कितना पसंद है। क्योंकि यहाँ पे मैंने हाई नेक वाला ब्लाउज वियर किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ये वाली पिन अंदर की साइड से नहीं बल्कि ऊपर की तरफ से ही लगाऊंगी। केवल देखिए ऊपर वाला प्लेट हल्का सा हटाकर हम बिल्कुल किनारे की तरफ ये वाली पिन यूज़ करेंगे। तो आप में से बहुतों के कमेंट्स आए थे कि हाई नेक ब्लाउज के साथ हम कंधे वाली पिन कैसे लगाएं। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सामने आपको दिखाने के लिए पिन लगा लिया है, बट ये पिन थोड़ा सा कंधे से पीछे की तरफ लगेगी। लेकिन पिन आपको कहाँ लगाना है एग्जैक्टली, वो प्लेस मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट वाली प्लेट के नीचे बिल्कुल कॉर्नर साइड पे लगाना है, ताकि आपका पहला वाला प्लेट भी अच्छी तरीके से अपने जगह पे बनी रहे। अब इसके बाद दूसरी वाली जो बॉर्डर है इसको हमें घुमाकर अपनी ब्लाउज की जो लेंथ है उससे थोड़ा सा नीचे ही रखेंगे पीछे की तरफ, और अब कमर के पास लाकर यहाँ पे हम पिन लगाएंगे। देखिए कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम जब लूज पेटीकोट पहनते हैं तो कमर वाला जो हिस्सा टाइट करने के लिए हम पिन लगाते हैं तो लूज हो जाती है। तो अगर आपका बेस ही लूज है, दैट मीन्स पेटीकोट लूज है, तो आपकी ये वाली फिटिंग कभी भी अच्छे से नहीं आएगी। तो अगर पेटीकोट लूज है या टाइट है, आप दोनों ये वाली ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। पहले तो एक पिन बिल्कुल टाइट करके अपनी नेवल के पास लगा लीजिए, और नीचे से 2 से 3 प्लेट्स बनाते हुए आप ऊपर की तरफ उठाकर उनको टक कर लीजिए। अब इसके बाद जो बची हुई फैब्रिक है हम इनको प्लेट्स में अरेंज करेंगे। तो देखिए नेवल तक लाकर मैंने मेज़र कर लिया है, और अब इसके बाद से जो बची हुई फैब्रिक है हमें उनको प्लेट्स में अरेंज करना है। तो ये अगेन मैं दूसरा वाला ट्रिक यूज़ कर रही हूँ जो मैंने अभी अभी आपको पल्लू को अरेंज करने के लिए बताया था। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि नेट की साड़ी चाहे कितनी भी सॉफ्ट क्यों ना हो, प्लेट्स सामने के हमेशा आपको चौड़े ही रखने हैं, क्योंकि चौड़े प्लेट्स में ज़्यादा तामझाम नहीं होता और एक बार में पूरे प्लेट्स अच्छे से बनकर आ जाते हैं। नीचे की तरफ मेरे प्लेट्स अच्छे से ना बनने का कारण यही है कि नीचे में मेरी फॉल लगी हुई नहीं है। साड़ी फॉल अगर लगी हुई रहती है तो साड़ी खुद ब खुद, नेट की साड़ी नीचे से थोड़ी सी भारी हो जाती है, जिससे कि प्लेट्स आसानी से अपने जगह पे बैठ जाती हैं। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे सभी प्लेट्स को अच्छे से सेट कर लिया है एक बार, और ठीक अपनी बेली बटन के पास मैं इनको टक कर दूंगी। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि ये राइट की तरफ उनकी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाती है, अगर वो बच रही है ज़्यादा तो आप उसको अपनी फर्स्ट प्लेट में ऐड करने की कोशिश करें, और अगर नहीं ऐड करना है उसको तो आप वहाँ पे एक छोटा सा प्लेट बनाकर एडजस्ट कर दें। अब लीजिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट के बाद आपकी पूरी ड्रेपिंग कंप्लीट है। तो ऐसे तो नेट की साड़ी बहुत हल्की होती है, बट अपनी सेफ्टी के लिए अगर आपको लंबे समय तक साड़ियों में बाहर रहना है तो सामने वाले प्लेट्स में भी एक पिन आप ज़रूर लगा लें। चलिए अब नेट की साड़ी पे अगर सर पे पल्लू लेना है तो आप बस एक काम करें कि हाई बन बना लें, थोड़ा सा अपनी जो जूड़ा आप बनाते हो उसको थोड़ा सा ऊपर करते हुए आप अच्छी तरीके से बना लें। ज़रूरी नहीं है कि उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आपको अलग अलग एक्सटेंशंस यूज़ करने होंगे, बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल जूड़ा भी चलेगा। और केवल अपने पल्लू की लास्ट वाली प्लेट को ऐसे आप सर पर रख लीजिए। नेट की साड़ी बहुत हल्की होती है तो वो आपके सर पे आराम से आ जाएगी, और ये जो हमने कंधे के पास पिन जहाँ पे लगाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है हमारे सर पे घूंघट लेने के लिए। तो चलिए अब हम तीसरा जो स्टेप है उसमें सीखेंगे लहंगा स्टाइल। ये केवल आपको नेट की साड़ी पे ही सुंदर लगेगी। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप का स्कर्ट वेयर किया हुआ है, स्कर्ट की डिटेल आपको मिल जाएगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, स्कर्ट के अंदर मैंने कोई भी केन स्कर्ट नहीं वेयर किया हुआ है, क्योंकि इस स्कर्ट में मोटी जाली खुद से लगी हुई है नीचे की तरफ, जिसके वजह से ये इतनी फैली हुई है। तो हमें क्या करना है कि स्कर्ट क्योंकि नीचे की तरफ काफ़ी फ्लेयर्ड है, और यहाँ पे जो नीचे का स्कर्ट का लुक है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो इसलिए मैं उसको कवर नहीं करूँगी और साड़ी को मैं हाफ ऐसे ही लहंगा स्टाइल में ड्रेप करूँगी। तो फर्स्ट राउंड हमें लगा लेना है इस तरीके से साड़ी को हाफ करके, और उसके बाद हमें प्लेट्स बनाना है। तो प्लेट्स भी हमें इसी तरीके से ही हाफ
साइज़ में ही बनाने हैं, ताकि साड़ी की जो हमने अभी अभी एक राउंड लगाया है वो उस राउंड को अच्छे से मैच कर ले, है ना। नीचे की लेंथ को तो मैच करनी ही चाहिए। यहाँ पे बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी नेक की साड़ी जिस कलर की है उसी कलर की आपकी स्कर्ट भी होनी चाहिए, क्योंकि नेट की साड़ी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, तो इसीलिए वो काफ़ी खूबसूरत लगेगी। अब हम एक एक करके अपनी जो साड़ी है उसके प्लेट्स को अपनी राइट हैंड की साइड रखते हुए इनको टक करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो प्लेट्स हैं उनको बनाने का मेन फोकस हमें अपने फ्रंट पे ही रखना है। जब आपके प्लेट्स अच्छे से बन जाते हैं, तो यहाँ पे मेरी कंधे वाली प्लेट्स तो पहले से ही बनी बनाई है, तो इसे हमें अपनी राइट साइड की शोल्डर पे रखनी है। अब पिन हम ठीक वैसे ही लगाएंगे जैसा मैंने आपको स्टेप नंबर 1 में बताया था। इसके बाद यहाँ पे ये दूसरी साइड को स्ट्रेट करने के लिए मैं ऊपर की तरफ उठाते हुए एक छोटी सी प्लेट बना लूँगी यहाँ पे, और इनको ऊपर से ही सेफ्टी पिन से लगाकर सिक्योर करूँगी। अब ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ जाकर हमारी ब्लाउज की लेंथ में जाकर अटैच होगी, ये देखिए ठीक इस जगह पे। तो कमर बंद लगाने के बाद ये हो गया हमारा फाइनल लुक। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कौन सी स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आप कमेंट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।